पढ़ाई को पढ़ने के लिए आए थे तो हमने पढ़ाई किस लक्ष्य से पढ़ने आरंभ की? इसी लक्ष्य को लेकर के पढ़ने आरंभ की ना कि हम यहाँ पर अपने को मनुष्य से देवता, अपने जीवन की बुराइयों को निकालने के लिए आए हैं। हम आए तो नहीं थे दूसरों के कल्याण के लिए, हम सब किस लिए आए थे बाबा के घर में? उस पहले दिन को याद करो कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे किस लिए? अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन हम लोग उसको निकाल देते हैं, उसको निकाल देते हैं, लेकिन हम लोग औरों के कल्याण के लिए ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए सबसे पहली बात अपने ऊपर हमें अटेंशन में रहे कि जैसे बाबा ने सम्मान को ध्यान में रखा, डिग्निटी में रह करके हर कार्य को बाबा ने किया, कोई काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम को हम लेते कैसे हैं? कई बार हम छोटे काम को करके हम दूसरों को कार्य करना सिखा देते हैं। बाबा क्या करते थे? बाबा में ये बहुत बड़ी विशेषता थी कि बाबा हर कार्य को खुद करते थे। फिर बच्चे देखते थे कि बाबा इतना बड़ा, इतना बड़ा ये फैमिली था और इतना साधारण होकर के इस कर्म को करता है, तो हमें भी करना चाहिए। तो इसलिए हम अपने कर्म से जब दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली दूसरों की दुआएं मिल जाएंगी। दुआओं से व्यक्ति ज्यादा आगे बढ़ता है। पहले के जमाने के लोग दुआओं में बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया है? दुआएं लेना हमने बंद कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं कि जिसने मेरे लिए जितना किया मुझे भी क्या करना है, उसके लिए उतना ही करना है या उससे कम करना है? क्यों? क्योंकि मेरा रिलेशन बड़ा है, उसने मुझे अगर 1,000 दिया तो अब जो मुझे उसे देना है तो मुझे उसे 500 ही देने हैं। क्यों? बाबा ने क्या कहा? तुम कौन हो? दाता। कौन हो? दाता। दाता कभी ये नहीं सोचता कि किसी ने मुझे क्या दिया। वो तो है ही लेने वाले, वो तो है ही मांगने वाले, उनको तो हम जितना भी दे देंगे क्योंकि वो है देवता और हम कौन है? देवता। तो हम अपने इस टाइटल को भूल गए। जैसे ही हम इस टाइटल को भूल गए तो फिर हमें उम्मीद रहती है उसने क्या दिया तो हम खातरी उसकी उसके हिसाब से करें। जब हमारी ये वृत्तियाँ बननी शुरू हो जाती हैं ज्ञान में आने के बाद, तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो प्रोग्रेस है ना उसमें ठहराव आ जाता है। अब करें क्या? क्योंकि तो बातें तो आती हैं मन में। देखो पिछले इतने जन्मों के हमारे संस्कार रहे हैं, कहीं भी किसी को कोई लेन देन की बात आती है, कुछ खिलाने की बात आती है, तो मन में एक संकल्प तो कई बार आ जाता है कि हम क्यों करें इतना। लेकिन संकल्प को संकल्प के लेवल पर ही खत्म कर दें, उसका एंटीडोट निकालें। क्या एंटीडोट होगा? अपने साथ थोड़ा सा वार्तालाप करें, डायलॉग करें। तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हारे पास पैसा नहीं है क्या? तुम 500 भी देना चाहते हो जब तुम्हें लगता है तुम्हें 1,000 देना चाहिए। मन कहेगा क्यों? उसने भी तो 500 से कम मुझे 250 दिए थे, तो मैं उसको ज्यादा क्यों दूँ? तो मन को बोलो तुम चुप, तुम कौन हो? दाता के बच्चे हो। तुम्हें इस समय संगम पर क्या करना होगा? मेरे साथ चलना होगा। तो जब हम वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उस आत्मा के साथ मेरे संबंध ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और जब हम किसी चीज को कर देंगे जिसको हम नहीं करना चाह रहे थे और हम ये समझ रहे थे कि ऐसा हमको करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली मेरे को उस आत्मा की दुआएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। केवल उसकी नहीं, लेकिन मुझे अपनी दुआएं भी मिलेंगी। हम अपने आप को क्या कहेंगे? वाह, आई एम विनर, मैं जीत गया। एक बैटल थी मेरे साथ में, जिस बैटल के अंदर मैंने जीत पाई, तो इसलिए चीज बहुत बड़ी है।